मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूं, और इस गवाही को सुनकर आप अपनी जिंदगी में ना सब चीजें एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। एक परमेश्वर के जन थे और आज भी वो जिंदा है, और वो अपने शहर से बॉम्बे आ रहे थे। और जब वो अपने घर से निकले और उन्होंने अपनी बैग ली और वो बॉम्बे की तरफ आ रहे थे, और उन्हें, जैसे इन दिनों में ओला कैब चल रही है, वैसे उन दिनों में कोई ऐसे टैक्सीज थी जो घर तक लेने के लिए आती थी। और जानते हुआ क्या, जब ये अपने घर से निकले बैग लेकर और वो टैक्सी उनको लेने के लिए आई, और जैसे वो टैक्सी में बैठे अचानक उनकी हार्ट बीट बढ़ने लग गई। और उन्हें 2 मिनट के ऐसा ऐसा लगा कि मेरा जो ब्लड का जो प्रेशर है ना, वो कुछ अप हो गया है। लेकिन फिर भी उन्होंने इग्नोर किया, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग थी बॉम्बे में। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे वो टैक्सी स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी, उनको तकलीफ होती जा रही थी। और जब वो थोड़ा आगे बढ़े तो उनके पूरे बदन बदन पे पूरा पसीना आ गया, और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद जब वो और आगे बढ़े तो जानते हैं क्या हुआ, उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया, उल्टियां आना चालू हो गई। और जब वो देख रहे थे कि तबीयत खराब होती जा रही है, तब उन्होंने फाइनली अपने घर पर अपनी पत्नी को कॉल किया और कहा कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और उनकी पत्नी ने कहा, आप वापस घर आ जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि मीटिंग है, मुझे वहां जाना है। उन्होंने कहा, नहीं, आप वापस आ जाओ। और आप जानते हैं, जब उन्होंने उस टैक्सी वाले से कहा कि मुझे वापस वहीं छोड़ दो जहां से आपने मुझे पिक किया था, जहां से आपने मुझे उठाया था, और जब उन्होंने उनको घर पे छोड़ा और वो सीधा आके अपने पलंग पर ऐसे सो गए, 15-20 मिनट उन्होंने रेस्ट किया, ट्रेन चली गई थी, और उन्होंने कुछ देर के बाद एक न्यूज चैनल ऑन किया, और उस न्यूज चैनल में जिस ट्रेन में वो यात्रा करने वाले थे, कुछ ही समय के बाद वो ट्रेन पटरियों से नीचे गिरी थी, और इतने डब्बे नीचे गिरे थे। और आपको पता है, उनका जो रेल बोगी का जो नंबर था ना, वो S6 था। और आप बिलीव नहीं करोगे, पूरी जो जो ट्रेन जो टूटी थी उसमें S6 जो है ना, वो डब्बा इतना हो गया था। और अब सुनिए, जैसे उन्होंने ये देखा कि वो डब्बा इतना हो गया है, उनकी तबीयत ठीक हो गई। जैसे उन्होंने ये देखा ना कि अरे, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, अचानक उनका बुखार उतर गया, बीपी नॉर्मल हो गया। आप बिलीव कर सकते हो कि परमेश्वर कभी कभी अपने लोगों के बीच में ऐसे भी काम करता है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जानो, रोमियो 8:28 पे लिखा गया है, जो लोग उससे प्रेम करते हैं उनकी जिंदगियों में जो कुछ भी हो भला ही होगा। आप जानते हो, पौलुस के लाइफ में, आप आराम से आप सब पढ़ना, पौलुस के लाइफ में कौन से प्रॉब्लम्स थे, खाली मैं आपको 1 मिनट में विस्तार में बता रहा हूं। सबसे पहले जब वो बिलीवर हुआ, विश्वास में आया, पहले पहले उसके दुश्मन हो गए यहूदी। उसके बाद जानते क्या हुआ, लोगों ने उसका विरोध करना चालू किया। उसके बाद जानते हो, कई बार चेलों ने भी उसे गलत समझा। आप उसके बाद पढ़ सकते हो कि एक जगह पे वो कहता है कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है। इसका मतलब ये दो बातें हैं, एक समय था जब उसे खाने के लिए था पर उसने उपवास में रहना सीखा, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि उसे भूख लगती थी पर उसके पास खाना नहीं था। एक समय ऐसा भी था कि उसके पास खाना था लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो उपवास करेगा। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि उसे भूख लगती थी पर उसे डिसाइड किया, मैं उपवास करूंगा। ये दो चीजें थी। वो कहता है कि एक रात एक दिन मैंने समुंदर में काटा। अब मुझे एक बात बताइए, एक आदमी जो इतना दुखों में है पर दूसरी तरफ ये कहता है कि मैं आनंदित हूं, आई एम अ जॉयफुल इन द लॉर्ड। जानते हो क्यों, पौलुस के साथ जो भी होता था ना, उसके हार्ट में एक वर्ड सेट था, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मेरे साथ जो भी होगा, जितना भी होगा, जितना भी बुरा होगा, परमेश्वर उनमें से कुछ मेरे लाइफ में भलाई लेकर आएगा। और अब भलाई जानते हैं क्या सोचते हैं सब लोग, इन दिनों में जैसे आपने सुना होगा, हमारे कैंप में कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं वाटर वाटर को लेके, कि जो जीन्स में से पानी निकलता है वो अनक्लीन है। तो हम लोग कभी कभी क्या सोचते हैं कि जो भलाई मल में क्या होगी, अब धंधा है ना, 10 गुना और बढ़ जाएगा आने वाले समय में। हम इतने संसारिक हैं, हर चीज को संसार से तोलते रहते हैं। पर आपको पता है पौलुस क्या कहता है,
रोमियो 8:28 में लिखा गया है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई उत्पन्न करती हैं, और 29 में लिखा है वो भलाई यह है कि वो तुम्हें अपने पुत्र के स्वरूप में बना देता है, उसमें ये भलाई है। प्लीज निकलो उन बातों से जो आपने सुनी है। कई लोगों ने बाइबल को संसार की रीति पे प्रचार कर लिया है, हर चीज में संसार दिखाया गया है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो आईफोन, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, मांगो एसी। उसके बाद लिखा है तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो हो जाएगा, मांग कार मांग यहां पर। उसके बाद लिखा है तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं, मांग यहां पर बंगला। हम सब लोगों ने वचन के अंदर दुनिया मिला दी है, वहां पढ़िए आराम से। 8:28 में लिखा है जो लोग खुदा से प्रेम करते हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं। आपको पता है बाइबल की हर प्रतिज्ञा क्या लिखा है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया, परमेश्वर ने वो चीजें उनके लिए बनाई है जिनसे वो प्रेम करता है। बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है। आई थिंक आप ध्यान से सुन रहे थे, बहुत सारे लोग हां भी कह रहे हैं, हां हां बरोबर बरोबर। फिर से कहूं, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया, ऐसी बातें परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की हैं जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। अरे परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, पढ़ना आराम से। वहां ऐसा लिखा गया है जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया, परमेश्वर ने ये चीजें उनके लिए बनाई हैं जो उससे प्रेम करते हैं। आराम से पढ़िए बाइबल को, डोंट बी क्विक, जल्दी मत कीजिए। बाइबल की हर प्रतिज्ञा उनके लिए है जो उससे प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब क्या है, यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञा को मानता है। और एक जगह लिखा है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है। किन के लिए कठिन नहीं है, जो जानते हैं कि वो मददगार है, वो मदद करता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज अगर आपने इस वचन को समझा ना 8:28 को, तो आपको पता है इस वचन पर विश्वास करने में आपके दर फल क्या आएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे बहुत ही प्यारे भाई यहां बैठे हैं, भाई दिनेश, ठीक है, और वो देख रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं घर के अंदर, पैसों की थोड़ी तकलीफ है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, डोंट वरी, हाँ वो करोड़पति है समझिए, वो देख रहा है कि ये प्रॉब्लम आई है। और आप जानते हैं जो आदमी इस वचन पर विश्वास नहीं करेगा ना, आपको पता है वो क्या करेगा, दीपू भाई से जाके मिलेंगे, दीपू भाई क्या बताऊं, काम खत्म हो गया है, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, कुछ हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा है। ये जानते हैं क्या है, ये कहते हैं विश्वास, इसने वचन सुन लिया लेकिन विश्वास नहीं किया। लेकिन जो ये बात जानता है कि सब बातें भलाई उत्पन्न करेंगी, वो चुपचाप बैठता है, वो उसे देखता रहता है, वो अपना हार्डवर्क बंद नहीं करता है कि वो अपना काम करते रहता है, लेकिन वो आशा रखता है नो प्रॉब्लम, सब बातें मिलकर भलाई लेकर आएंगी। कुछ तो परमेश्वर ऐसा लेकर आएगा जो मुझे अंदर से बना देगा, और इसकी कंप्लेनिंग नेचर बंद हो जाएगा, कुड़कुड़ाना बंद हो जाएगा। डू यू नो, एक बात शायद आप में से किसी ने ध्यान दी हो, आपको पता है सामने कनान था और इज़राइली यहां खड़े थे, और उन्होंने मूसा से कहा हमारा मन इस रोटी को खा खा के पक चुका है, हमें कुछ और दे। कितना मंजिल के करीब थे, लेकिन 21,000 लोग मर गए। आपको स्वर्ग में पता चलेगा इस बात पे कि आप कितना नजदीक थे अपने मंजिल के, लेकिन आपका कुड़कुड़ाना आपको आपकी मंजिल से दूर लेके जा रहा था। कनान के बॉर्डर पे पहुंच के वो कुड़कुड़ा रहे थे, इसलिए पौलुस कहता है वो जो कुड़कुड़ाए और 21,000 एक समय में मर गए। सोचो सामने, मेरे पास मैप है बाइबल का, मैंने 2-4 मैप हमेशा अपने पास मैं रखता हूं यरूशलम के लिए, मैं देखता रहता हूं। आपके बाइबल के पीछे भी आप देखोगे बहुत सारे मैप्स होते हैं, ये आपको बता सकते हैं, इन मैप्स में भी रेवोल्यूशन है। मैं आपको एक और इस मैप में से बताऊं एक बात, आप पढ़ सकते हो, एक जगह पर यीशु मसीह के पास एक आदमी आया, गलील से यरूशलम तक 1 घंटे का रास्ता है खाली। वो आदमी यीशु के पास आया, बोलता है कि मेरा बेटा बीमार है। यीशु ने कहा जा वो ठीक हो गया है, लेकिन जानते हो वो अगले दिन अपने घर पे गया। आते समय 1 घंटा लगा, जाते समय 24 घंटे क्यों लगे, रास्ता 1 घंटे का था। अगर हम अविश्वासी होते ना, हम विश्वास नहीं करते ना, हम भाग के जाते और वापस आते, ठीक नहीं हुआ है
फिर से प्रार्थना कर। लेकिन ये आदमी आराम से घूम फिर के आराम से गया, ये चिन्ह था वो ठीक हो चुका है, मैं आराम से जाऊंगा। आप पढ़ सकते हैं इतनी छोटी छोटी बातें प्रभु के वचन में लिखी गई हैं, आप बहुत आशीष पा सकते हो अगर आप उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं आज एक वचन आप सब जोर से कन्फेस कीजिए और कहिए, जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं सिर्फ उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं करता हूं। तो आज के बाद हम क्या नहीं करेंगे? कंप्लेन नहीं करेंगे, कुड़कुड़ाएंगे नहीं, राइट?